इससे के लाभ। बेटा अगर ऐसे खेलोगे तो जरूर रॉजर फेडरर बनोगे। बेटा आज की क्लास की टाइम हो गया, तुम्हारे पापा ने मुझे मिलने के लिए कहा था, मैं जरा होके आता हूँ। कौन हो तुम, क्या चाहते हो, क्यों पीछा कर रहे हो मेरा? तुम खेलते तो बहुत बढ़िया हो, इतने शॉट मारे एक भी टेबल पे नहीं लगा, भाई कमाल है। तुम्हारा कोच सही कहता है, ऐसे खेलोगे ना तो रॉजर फेडरर ही खिलाओगे। कोच ये बताइए तेरा बेटा खेल कैसा रहा? आपका बेटा बढ़िया ही खेल रहा है सर जी। देखिए खेलने आता है खेलेगा, और असल नाजुक उम्र है, उस पर ज़्यादा मेहनत लग रहा है, और कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बोल दीजिए कि फीस आप तक पहुँचा। अरे नहीं नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं। हेलो, हाँ भाई होमवर्क किया? अभी नहीं यार, मैं ना आजकल टीटी खेल रहा हूँ ना, चैंप हो गया आजकल अभी। हाँ हाँ, जहाँ से बॉल वहाँ से बॉल मार दूंगा, ऊपर से नीचे से लेफ्ट से राइट से, अभी हर जगह से बॉल मारनी आएगी मुझे। तू क्या समझ रहा है, टीटी का चैंप हूँ मैं, चैंप। टूर्नामेंट सैटरडे को कहाँ पे? अच्छा अच्छा, दिल्ली के सारे टॉप प्लेयर आते हैं, मुझे चैलेंज कर रहा है। अबे यार तो क्या बात कर रहा है, पक्की बात में आ रहा हूँ और क्या। हाँ चल मिलते हैं सैटरडे को टूर्नामेंट में, कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले तुझी को हराना मैं, क्या बात कर रहा है। चल ठीक है, टूर्नामेंट में मिलते हैं, बाय। भाई वाह, क्या खेले हो, सुपर, मतलब कि जबरदस्त तरीके से खेले हो। पहले बॉल इक्का दुक्का वाली टेबल पे लग जाती थी, अब तो सारे एरियल शॉट, धूम धूम। आज एहसास हुआ कितना घटिया खेलते हो तुम। वैसे सारी गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारा वो बेवकूफ कोच की भी गलती है। तुम्हें टके भर का खेलना नहीं आता तो भी बेटा बहुत बढ़िया, बेटा शाबाश, बेटा थक गए होगे। अरे मेहनत की आदत डाली नहीं तो क्या घंटा जीत पाओगे? अब कम से कम इतनी इतनी बुरी तरह हार लिए, अब तो मेहनत की इंपॉर्टेंस समझो। कौन हो तुम, क्या चाहते हो तुम, कौन हो तुम, क्यों मेरा पीछा कर रहे हो इतने दिनों से? मैं तुम हूं, आई एम योर माइंड, आई एम व्हाट यू थिंक, आई एम योर सोल, आई एम योर कॉन्शियस। मैं वही हूँ जो तुम में है, मैं वही हूँ जो तुम सोचते हो, और मैं तब तक तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक तुम्हें मेहनत की आदत नहीं डलती।
Must be wondering whether he won the match or not. But the question we need to ask is, does it matter? Because finally he had something to believe in, something he could love, something in which he was not constrained. Playing the game made him happy, not winning it. He has got what he wanted now, happiness, and now he is ready to fly.